हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान ज्योति एसएस ट्यूटोरियल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए कुछ जीके का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चंस नेवी एमआर के लिए हैं, तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि नेवी एमआर में खास करके ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं जीके का। तो आज हम आप लोग के लिए 25 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से कर लेना है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा इन सारे क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चंस में है कि हाई कोर्ट के जज की सेनावृत्ति की उम्र क्या होती है। तो फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 62 वर्ष होता है हाई कोर्ट के जज की सेनावृत्ति का उम्र, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन टू में है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो टू का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन थर्ड में है कि अशोक मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, पंचायती राज से संबंध है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फोर में है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था। तो फोर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू हो जाएगा इसका सही, बिंबसार ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन फाइव में है कि तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो फाइव का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, अल्बेरूनी ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सिक्स में है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था, कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में, मैसूर में। तो सिक्स का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कलकत्ता में स्थित था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन एट में है कि सेवन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। तो सेवन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, बंबई में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन एट में है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से कौन संबंध थे। तो एट का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा थ्री, ठीक है, एट का थ्री भगत सिंह हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नाइन में है कि नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो नाइन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है टेन में कि कैरो सीओ कैसी जलधारा है, गर्म ठंडा, गर्म एवं ठंडा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो टेन का जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 11 में कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने में बहती है, पौने का मतलब कि हवा। तो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उत्तर पूर्व से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 12 में है कि लेबनान की राजधानी है। तो राजधानी देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि राजधानी का भी जितना भी होता है, कौन सी देश की कौन सी जो भी है, तो राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग याद कर लेना, यहाँ पे भी एक नंबर आपको क्वेश्चंस आता है। तो आपका जो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू हो जाएगा, बेरूत। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 13 में है कि आकाश में सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। तो आपका जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, सीरियस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 14 में है कि भोपाल किस रेलवे का जोनल मुख्यालय है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, किसी का नहीं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 15 का, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड, आईसी हॉकी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 16 में है कि एस मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा फोर, भारोत्तोलन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 17 में है कि बैंक नोट प्रेस स्थित है, देवास में, मैसूर में, हुगली में, पुणे में। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, देवास में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18 में कि पैगंबर के पवित्र प्रवचनों के संग्रह को क्या कहते हैं। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, हदीस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 19 में कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, खुशवंत सिंह, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो इसका थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 20 में कि श्री गुरु रामदास जी राजा झांसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है।
तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा टू, अमृतसर में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 21 में है कि पीपुल्स वार ग्रुप मुख्यतः किस प्रदेश में सक्रिय है, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 22 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, विजया लक्ष्मी पंडित। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 23 में है कि आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 4, कुचिपुड़ी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 24 में है कि चांदी का सर्वोत्तम उत्पादक देश है अमेरिका, रूस, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मेक्सिको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 25 में कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा टू, गोदावरी नदी के स्थित पर है, ठीक है, तट पर स्थित है। तो यही कुछ आप लोगों को 25 क्वेश्चंस करवाना था, और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पे देखिए एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, साइंस का हो, मैथ का हो या जीके का हो, उसको आप लोग रिवाइज फिर से कर लेना। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो, प्रॉब्लम हो तो कर लेना, नहीं है तो फिर ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम आपकी आसपास ही पहुंचने वाली है, अब ज़्यादा दिन नहीं है, बस 2 से 4 दिन 10 दिन जो भी आप लोग प्रिपरेशन करो अच्छे से करो, ठीक है। यहाँ पे मन से मतलब कि करो कि इस बार AMR क्रिक हो जाए, और यही कुछ आप लोगों को बताना था। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।